गाड़ी चोरी की वारदातें उरूज पर शहरी परेशान हाल, चौहट टाउन से शहरी की गाड़ी चोरी, लाहौर न्यूज को सीसीटीवी फुटेज मौसूल। महकमे सेहत में पहले 100 दिनों में तब्दीली नजर आएगी, सेहत की सहूलत सबका हक है, हमारा वीआईपी गरीब आदमी होगा, इमरान खान की सिपाही हूँ, आवाम की खिदमत करूंगी, प्रोटोकॉल नहीं लूंगी, सुबह वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की हेल्प उठाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। वजीर आजम के विजन पर बाइख्तियार चेक एंड बैलेंस वाला बल्दियाती निजाम लाएंगे, पंजाब में केपी और मुशरफ दौर के बल्दियाती एक्ट का इम्तजाज होगा, चंद रोज में मुशावरत के बाद नया एक्ट असेंबली से पास करवाएंगे, सूबाई वजीर बल्दियात अब्दुल अलीम खान की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू, बोले शहबाज शरीफ ने बल्दियाती निजाम के तमाम इख्तियार अपने पास रखे, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन इख्तियार के लिए एहतजाज करते रहे, लॉट मेयर से कोई जाती रंजिश नहीं, अल्लाह ने इज्जत दी सबको साथ लेकर चलूंगा। पंजाब फूड अथॉरिटी को नया डीजी मिल गया, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने डीजी फूड अथॉरिटी के अहदे का चार्ज संभाल लिया, फूड अथॉरिटी अफसरान की महकमाना उमूर से मुतालिक ब्रीफिंग, मुजर सेहत अशिया बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का फैसला। जेल रोड पर तालिबान से बैग छीनने वाला मुलजिम शहरियों के हत्थे चढ़ गया, राहगीर नौजवान ने ताकुब करके मुलजिम को दबोच लिया, खूब टुकाई के बाद शातमंद पुलिस के हवाले कर दिया। ऑरेंज लाइन मंसूबे के फ्रांसिक ऑडिट के मामले में अहम पेशरफ्त, एलडीए और टीपानी मेगा प्रोजेक्ट का तमाम रिकॉर्ड मुरतब कर लिया, फ्रांसिक ऑडिट के लिए नैब और एफआईए की खिदमात लेने का फैसला। पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन, यूसुफ नगर और तलत पार्क में कार्रवाई, अलाइशें इकट्ठी करके तेल बनाने वाले 3 यूनिट सील कर दिए। लाहौर हाईकोर्ट का मॉल रोड पर नजायज पार्किंग स्टैंड फौरी तौर पर खत्म करने का हुक्म, गाड़ियां पार्क करने के नाम पर भत्ता वसूल किया जा रहा है, दरख्वास्त गुजार का मौकफ, अदालत ने चीफ एग्जीक्यूटिव पार्किंग कंपनी को 28 अगस्त को तलब कर लिया। डायरेक्टर जनरल एजुकेशन और स्पोर्ट्स रेलवे अहदे से मुस्ताफी फरहान इबादत यार ने सीफा सीईओ आफताब अकबर को भिजवा दिया। और नए पाकिस्तान में वीआईपी कल्चर के खात्मे का आज़म, एफआईए के बाद कस्टम्स हुकाम ने भी एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल पर पाबंदी आयद कर दी, कलेक्टर कस्टम्स जमील नासिर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।